नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। फिल्म अभिनेत्री काजोल ने तो किसी राजनेता का नाम ही नहीं लिया था, उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि हमारे राजनेता पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बड़ा सवाल ये कि मोदी भक्तों और भाजपा समर्थकों को मिर्ची क्यों लगी। मुद्दा नंबर दो आज न्यूज चक्र में होगा सुहानी शाह, वो मेंटलिस्ट जिसने धीरेन्द्र शास्त्री को एक्सपोज किया था, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। क्या आप जानते हैं कि बजरंग दल के दबाव के चलते छत्तीसगढ़ में उनके शो को कैंसिल करना पड़ा। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे काजोल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले काजोल एक इंटरव्यू में ये कहती हैं कि हमारे देश के राजनेता, उन्हें तो सही ढंग से शिक्षा भी नहीं मिली है, उनके शिक्षा पर कई सवाल हैं। उन्होंने क्या कहा पहले आप खुद सुनिए। यहां पर उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, मगर सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगी ये आप खुद जानते हैं। सुनिए काजोल ने क्या कहा। Because we are, A for one, steeped in our traditions and steeped in our thought processes. And of course, it has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But it's a fact, yeah, though. Yeah. You are being ruled by leaders, so many of them, who do not have that viewpoint. Which I think education does give you at least the chance to look out for a different. जैसे ही काजोल का ये बयान सामने उभर कर आता है दोस्तों, काजोल पर हमला शुरू हो जाता है। काजोल के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद ने पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं की, उनके पति अजय देवगन जो हैं वो गुटखा बेचते हैं, और तमाम तरह का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलना शुरू हो जाता है। अजीब और गरीब बात यह है कि जिन लोगों को मिर्ची लगती है वो सब भाजपा के अंधभक्त समर्थक थे। काजोल ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। हम ये ना भूले दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें रही हैं जब राजनेता अशिक्षित रहा है और उसे शिक्षा विभाग का जिम्मा दे दिया जाता है। मिसाल सिर्फ स्मृति ईरानी की नहीं है, जिनकी शिक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इन्हें मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री बना दिया था। मिसाल सिर्फ ये नहीं है, आजाद भारत के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां राजनेताओं ने एमए तक किया हुआ है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, मगर उनके नौ नौ बच्चे हैं। मसलन लालू प्रसाद यादव। आजाद भारत के इतिहास में हमारे मीडिया ने, हमारे फिल्मकारों ने, हमारी फिल्मों ने हमारे राजनेताओं पर ढेरों सवाल उठाए हैं। फिल्मों में तो याद कीजिए, 90 की दशक की फिल्में, 90 की दशक की फिल्मों में लालू प्रसाद यादव को खलनायक के तौर पर पेश किया जाता था, कॉमेडियन के तौर पर पेश किया जाता था, उनका मजाक बनाया जाता था। और ऐसी ढेरों फिल्में हैं जहां राजनेताओं को विलन्स के तौर पर, खलनायकों के तौर पर बतलाया गया है, और बतलाया भी जाना चाहिए, क्योंकि देश का मुस्तकबिल इन्हीं राजनेताओं के हाथ में था और देश की क्या हालत की है सब आप जानते हैं। और सिर्फ पिछले 9 साल से नहीं, पिछले 75 साल की मैं बात कर रहा हूं। राजनेताओं को खलनायक के तौर पर या उनका मजाक बनाते हुए ऐसी ढेरों मिसालें हैं, उसको लेकर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर काजोल ये बात कहती हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक बुरी तरह से बौखला जाते हैं। अब काजोल के पति अजय देवगन आजकल भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त भक्त बने हुए हैं। अब मैं नहीं जानता हूं कि अजय ने उनसे कहा या खुद काजोल ने किया। काजोल को आखिरकार इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी। क्या बयान दिया काजोल ने, आइए खुद सुनते हैं। I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leaders. We have some great leaders who are guiding the country on a right path. इंटरनेट पर तमाम लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्या है, माफी क्यों मांग रही हैं आप, आपने एक सामान्य बात कही भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले
कई राजनीतिक फिल्में बनती रही हैं जहां पर राजनेता को खलनायक के तौर पर पेश किया गया है। क्या मोदी सरकार और उनका प्रचार तंत्र ये चाहता है कि अब फिल्मों में पुलिस वालों को, क्या राजनेताओं को देवता के तौर पर पेश किया जाए? देखिए, आर्मी पर वैसे ही सवाल नहीं खड़े किए जाते। आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार या जो भी ज्यादती होती है उस पर फिल्में भी नहीं बनती, पत्रकार भी उस पर बात नहीं करते हैं, मगर पुलिस की ज्यादती, ये तो एक सत्य है ना। पुलिस किस तरह से अपराधियों के साथ मिली हुई है वो तो एक सच है ना। भूल गए विकास दुबे की किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सांठगांठ थी और उसी के चलते उसने करीब एक दर्जन पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया था। उनमें से मारा गया एक पुलिसकर्मी गिड़गिड़ा रहा था एक लंबे अरसे तक कि किस तरह से विकास दुबे जिस इलाके में था वहां का थाना इंचार्ज मिला हुआ है गैंगस्टर विकास दुबे के साथ, मगर उसकी आवाज को नहीं सुना गया था। ये बेबसी दिखाई दी थी। उत्तर प्रदेश की आए दिन मिसाल सामने उभर कर आती है जहां अपने रसूख, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस जो है लोगों पर निशाना साधती है। और हमारे राजनेताओं के बारे में जितना कम कहा जाए वही बेहतर है। अब क्या हम अपने राजनेताओं और पुलिस के अंदर जो अपराध का एक एलिमेंट है उस पर भी सवाल नहीं खड़ा कर सकते? उनकी अशिक्षा की भी बात नहीं कर सकते? क्या यह हकीकत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जबरदस्त असमंजस है? क्या यह हकीकत नहीं है कि स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर जबरदस्त असमंजस है? तो अगर काजोल ने यह बात कह दी किसी का नाम लिए बगैर तो क्या गलत कर दिया और मिर्ची क्यों लगी? इससे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों में अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि ये सिर्फ गोदी मीडिया को बर्दाश्त कर पाते हैं। अरे काजोल ने तो प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लिया था। ये मत भूलिए कि 2014 से पहले हमारे यही अभिनेता हमारे राजनेताओं पर सवाल खड़ा किया करते थे। कई फिल्में बना करती थी जो आधारित होती थी किसी खास राजनेता पर, मगर वो फिल्में बैन नहीं हुआ करती थी। हां, आपातकाल में आंधी पर, गुलजार की आंधी पर पाबंदी लगाई गई थी, मगर वो आपातकाल था। आज तो बगैर आपातकाल के आलोचना तो बहुत दूर की बात है, एक टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है। क्यों? आज हम न्यूज चक्र में यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा काजोल ने क्या गलत कह दिया कि एक पूरे नफरती प्रचार तंत्र को, नफरती चिंटुओं को जोरों से मिर्ची लग गई। आप जल लीजिए, आप बर्नौल लगाइए, आपको इस बर्नौल की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ शरीर के बाहर नहीं, स्वाद भी ले लीजिए, शायद आपकी आत्मा को शांति पहुंचेगी। कितने शर्म की बात है दोस्तों। और आज मैं सिर्फ काजोल की बात नहीं कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पर मेंटलिस्ट सुहानी शाह। कौन है सुहानी शाह, मैं आपको बताता हूं। सुहानी शाह वो शख्स है, आपको याद होगा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो सामने आए थे, ये दावा कर रहे थे कि भाई मैं भविष्य देख सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। एबीपी न्यूज का वो पत्रकार सामने आया था जिसने जयकारा लगाया था धीरेन्द्र शास्त्री की, उसके परिवार की सारी जानकारी फेसबुक में थी और उसी जानकारी को धीरेन्द्र शास्त्री ने साझा किया था। सुहानी शाह सामने आई थी और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर हमला नहीं बोल रही थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर हो रहा है वो सिर्फ सस्ता जादू है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब खबर क्या आ रही है मैं आपको बताता हूं। सुहानी शाह का शो होने वाला था कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के भिलाई में, उस शो को कैंसिल कर दिया गया है बजरंग दल के दबाव के चलते, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दबाव के चलते। भूपेश बघेल जी, सरकार तो आपकी है ना, अब बजरंग दल आपकी सरकार चलाएगी? खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विरोध के बाद सुहानी का कार्यक्रम स्थगित, भिलाई।
माइंड रीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर और मैजिशियन सुहानी शाह का 11 जुलाई को भिलाई का शो कैंसिल कर दिया गया है। डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई द्वारा सुहानी को शो में बुलाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने गो बैक सुहानी के पोस्टर भिलाई में लगाए और प्रशासन को हिंदू संगठनों ने ज्ञापन देकर विरोध व्यक्त किया। सुहानी, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, वही शख्स है जिसने धीरेन शास्त्री को एक्सपोज किया था। वो धीरेन शास्त्री जो आजकल दिल्ली में घूम रहे हैं। याद दिलाना चाहूंगा, हाल ही में दिल्ली में उनका कार्यक्रम था। और क्या आप जानते हैं, कुछ खास रूट्स में स्कूल्स ने अपने बसों को रद्द कर दिया, वो बसें जो स्कूल बच्चों के लिए थी। क्यों? क्योंकि धीरेन शास्त्री की हनुमान कथा थी। रायन स्कूल ने तो बाकायदा इस संदेश में मां बाप से कहा कि अपने बच्चों को ड्रॉप करो और खुद उठाओ, क्योंकि हम बसें कैंसिल कर रहे हैं। और यह फरमान किसने जारी किया था? CBSE ने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक हनुमान कथा का मोदी सरकार की CBSE से क्या लेना देना है भाई? मगर CBSE फरमान जारी करता है और उसके बाद रायन स्कूल कहता है कि बसें रद्द की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि धीरेन शास्त्री का की हनुमान कथा थी। यह तस्वीर देखिए, पुलिस वाले किस तरह से उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। इस खबर के मुताबिक पुलिस वाले जो हैं वो धीरेन शास्त्री से अपने भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति मंच पर बैठकर अनर्गल बातें करता है, नंगा कर दूंगा और न जाने क्या क्या, उस व्यक्ति के सामने पुलिस इस कदर नतमस्तक है। उस व्यक्ति के लिए इस सरकार की CBSE ने बच्चों की बसें बंद कर दी। और याद कीजिए, जब बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, 293 लोग मारे जाते हैं, तब इसी धीरेन शास्त्री का एक वाहियात बयान आता है कि मुझे तो पहले ही दिख गया था कि ऐसा ट्रेन हादसा होने वाला है। अरे भाई, अगर आपको दिख गया था तो बता देते, कुछ लोगों की जान बच जाती। यानी कुछ भी अनर्गल बातें करना और फिर बाद में अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए यह व्यक्ति यह भी कहता है कि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत देख लिया था, वो महाभारत थोड़ा ना रोक पाए थे। खुद की तुलना भगवान कृष्ण से और जो मारे गए हैं उनकी तुलना कौरवों से, क्योंकि हार किसकी हुई थी महाभारत में? कौरवों की हुई थी ना। यह व्यक्ति अनर्गल बातें करता है, मगर शो किसका कैंसिल किया जाता है? सुहानी शाह का। वो सुहानी शाह जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। मगर क्या तुम रोक पाओगे सुहानी शाह को? नहीं रोक पाओगे। वो लड़की बहुत ही सहज अंदाज में, अच्छे अंदाज में अपनी बातें रख रही है और तुम उस पर निशाना साध रहे हो। यह देखिए, एडिनबरा में, सोहो में सुहानी शाह का शो हो रहा है। इस तरह से सुहानी शाह देश का नाम रोशन कर रही है। क्योंकि मैं बता दूं, ब्रिटेन में मेंटलिस्ट्स की कमी नहीं है। बावजूद इसके, अगर स्कॉटलैंड के एडिनबरा में सुहानी शाह को बुलाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मगर हमारे यहां कांग्रेस की सरकार जो है नतमस्तक है बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सामने। क्यों? मगर क्या आपको हैरत हो रही है? मुझे तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसी धीरेन शास्त्री के सामने कमलनाथ नतमस्तक होते हैं, उनके घुटनों पर आके बैठ जाते हैं। यह स्तर है हमारे राजनेताओं का, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।